जिला हमीरपुर पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी के तहत पुलिस ने कोली के समीप नाका लगाया। पुलिस द्वारा शुरू की गई मुहिम में भीड़भूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने भी पुलिस का साथ दिया और प्राइवेट वाहन में सवारियां ढोने वालों के चालान भी कटवाए। नाके के दौरान ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने आदि नियमों की अनदेखी करने वालों के चालान भी काटे गए, तो वहीं वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया। बता दें कि हमीरपुर मुख्यालय में पुलिस ने ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती काफी संख्या में कर रखी है, जिसके कारण यातायात नियमों की उल्लंघना करने के मामले काफी ज्यादा संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आ रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने हमीरपुर मुख्यालय के सब लगते क्षेत्रों में नाका लगाना शुरू कर दिया। साथ ही टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा पुलिस को बार बार प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में करने की शिकायत की जा रही थी और कोई ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसके कारण इस मुहिम में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन को शामिल किया गया। टैक्सी ऑपरेटर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट बस के कर्मचारियों ने लोगों से खूब पैसा वसूला है। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में हमारी टैक्सियां खड़ी रहीं और रोजगार का कोई साधन नहीं था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्राइवेट बसों के पैसे वसूलने के धंधे पर लगाम लगाई जाए। इस कोरोना महामारी के चलते ये जो प्राइवेट गाड़ियों ने अपना धंधा आजमा रखा है, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में जितना पैसा कमाया और हमारी टैक्सियाँ खड़ी रहीं। तो हम चाहते हैं प्रशासन से भी, हमारा प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, आरटीओ साहब से भी, प्रधान जी ने बोला कि आरटीओ साहब भी अगले हफ्ते से नाके पे आएंगे, तो हमारा ये एक्साइज वाले हैं ये भी, इनको भी चाहते हैं कि ये भी अपना अपना काम, इसको रोको सर, ये गाड़ी आई थी इन भी देखो, एक प्राइवेट गाड़ी यूज आज टैक्सी, ये धंधा जो है इनको बंद करना पड़ेगा और टैक्सी वालों का अपना रोजगार जो है तभी भलीभांति से चल सकेगा। धन्यवाद। भीड़भूमि टैक्सी यूनियन के प्रधान विजय ने बताया कि आज उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की सहायता से प्राइवेट वाहनों में सवारियां ढोने वालों के अलावा दो पहिया व चार पहिया वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और अगले सप्ताह से हमीरपुर आरटीओ को साथ में लेकर ये अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस के सहयोग से यहाँ नाका लगाया, उसमें हमने 5-6 गाड़ियां जो है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ सवारी ढो रही हैं, पकड़ी हैं। तो ये गाड़ी आप अभी यहाँ देख सकते हैं खड़ी है, तो इन लोगों का रोज का काम है, ये सरकार को ना टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं। एक तो ये जो वैश्विक बीमारी कोरोना महामारी चली हुई है, उसके दौरान एक तो हमें वैसे ही खाने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है सवारियाँ, हमारा जो ये अभियान है ये हर रोज होगा, तो इसमें हमारा जो है पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। अभी हम अगले हफ्ते से आरटीओ साहब को भी साथ लेके रोड पे ये कार्रवाई करेंगे।